हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं दिल्ली आ गई हूँ और द्वारका मोड़ पे रूम लिया है क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है। तो आज यहाँ पे रात को स्टे कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और मेरे साथ मेरी दोस्त भी है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। और आज मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, पर आज मुझे एक ऐसी चीज दिखी कि मेरा व्लॉग बनाने का मन कर गया। तो दोस्तों, आज जब हम सुबह यहाँ पे आए तो रूम थोड़ा गंदा था। फिर हमने होटल के ऑनर को बताया कि रूम गंदा है, साफ करवा दो। तो उनने भैया को भेजा। तो दोस्तों, फिर यहाँ पे एक भैया आते हैं सफाई के लिए और जब हम उनको बताते हैं तो वो हमारी बात ही नहीं समझ पाते हैं और वो देखने में लगते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जैसे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं तो पूरा इंग्लिश, खतरनाक वाली इंग्लिश झाड़ते हैं। मेरे तो खुद समझ में नहीं आया कि बंदा बोल क्या रहा है। और दोस्तों, मैं उनको देख के शॉक्ड हो गई कि इतना खतरनाक, इतना इंटेलिजेंट बंदा यहाँ पे सफाई कर रहा है। तो फिर मैंने पूछ ही लिया, मैंने भी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मेरे को भी आती है, तो फिर मैंने भी पूछ ही लिया कि भैया आप तो इतने पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे ये काम क्यों करते हो। तो उन्हें अपनी मजबूरी बताई। दोस्तों, ऐसी मजबूरी बताई ना, मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा भैया अगर कुछ भी हेल्प की जरूरत हो ना तो आप मेरे को बताना। अब मैं आपको उनसे मिलाऊंगी थोड़ी देर में, वो आएंगे भैया, तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतना खतरनाक स्पोकन बंदा। दोस्तों, फिर वो भैया मेरे को बताते हैं कि वो यहाँ पे उत्तम नगर में एक मेडिकल कॉलेज है और वहां से वो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो और किसी घर की मजबूरी के कारण यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों, एक मेडिकल का स्टूडेंट यहाँ पे साफ सफाई कर रहा है, टॉयलेट साफ करता है और 15 घंटे काम करता है। उसके बाद मालिक सिर्फ कितना देता है, 8,000 रुपए। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और जरूर देखना और शेयर भी करना। तो गाइज, यहाँ पे भैया आ गए हैं। ये हैं वो भैया जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सुबह से शाम हो गई, मैंने इनका बहुत इंतजार किया, अब जाके आए। तो अब मैं आपको इनसे रूबरू करवाती हूँ। First of all, I'm Devjit. I'm from Manipur, Imphal, and I'm staying in Delhi. I stay in Narayana, and right now I'm studying. Now our state, Manipur, is like a very difficult in condition. Yesterday, our Union Minister of India is already coming our state in Manipur. We people want to don't separate the state. Like cookie and mitai cookie land like that. We want the same place like Manipur. We don't want to separate anything. आप ये भी बताओ ना कि आप यहाँ पे क्यों हैं। गाइस, मैं इनको समझा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट तो है नहीं, तो मैं इनका गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रही हूँ, उसमें हिंदी में बता रही हूँ, तभी जाके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ पे बता रहे हैं। Our Manipur already been like 1 month, so our parents did not send us money due to the internet problem. In our state there is no internet. Our government, state government already been for internet, that's why our Manipur. Our parents did not send us money, so that because of that I work in one hotel in Nawada for housekeeping jobs, for manage my apartment fee or like my appetite like that. So from this my job money I manage for my studying. Yeah, sometimes I think too much, like this work is very hard, but for me, from uncomfortable area, we cannot succeed in our life. So we do mostly like in uncomfortable area, like we should face the uncomfortable area to achieve our success. Just much. तो दोस्तों, बात यह है कि ये भैया मणिपुर से यहाँ पढ़ने आए थे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और दिल्ली में जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे तो वहां पे मणिपुर में क्राइसिस की वजह से इंटरनेट बंद है। यहाँ तक कि इनके घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया और इंटरनेट बंद है, तो इनके घर वाले इनको पैसे नहीं भेज पा रहे होंगे। तो जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे उनका जो मकान मालिक है वो इनको बोलता होगा पैसे दो करके, अब इनके घर वाले पे नहीं कर पा रहे थे। तो इनने बताया भी कि घर जल चुका है और इंटरनेट सेवा बंद है तो पेमेंट नहीं हो पा रही है, और इनने वीडियोस भी दिखाई वहां घर जलने की, लेकिन मकान मालिक नहीं समझा। तो ये भैया आप मजबूरी में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ये है इंसान की मजबूरी। एक पढ़ा लिखा इंसान इतना पढ़ा लिखा होकर यहाँ पे ये काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि ये काम गलत है, कोई भी काम गलत नहीं होता है, लेकिन एक वेल एजुकेटेड बंदे के लिए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप कोई इनको जॉब ऑफर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगी। तो गाइस, भाई तो चले गया, मेरे पेट में दौड़ रहे हैं चूहे, बहुत भूख लग रही है। मैं जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद खाती हूँ और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज, वो मैं बाद में बताऊंगी। और गाइस, एक घंटा वेट करने के बाद जोमेटो से खाना आ गया। ये पुलाव है और ये सिंगापुरी नूडल्स, ये रायता, ये प्याज और ये नूडल्स के लिए चटनी है हरी। तो मैं खाना खाती हूँ दोस्तों, बहुत भूख लग गई है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।